ऐसे थे इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी। फिरोज के शव को लेकर इंदिरा कमरे में क्यों थी अकेली? पारसी होते हुए हिंदू रीति रिवाज से क्यों हुआ था अंतिम संस्कार? शरीर जलने के बाद फिर कहां से आई कब्र? दामाद को आखिरी बार देख नेहरू ने क्या कहा था? फिरोज गांधी को करीब हफ्ते भर से सीने में दर्द की शिकायत थी। 7 सितंबर 1960 को जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उन्होंने अपने दोस्त डॉक्टर H.S. खोलसा को फोन किया। इसके बाद खुद गाड़ी चलाकर दिल्ली के वेलिंगटन हॉस्पिटल पहुंचे। उस वक्त उनकी पत्नी इंदिरा गांधी दिल्ली से करीब 3000 किलोमीटर दूर त्रिवेंद्रम में थी। इंदिरा को जब खबर मिली तो फौरन दिल्ली के लिए रवाना हो गई। पालम हवाई अड्डे से सीधे अस्पताल पहुंची। इंदिरा गांधी रात भर फिरोज के बगल में बैठी रही। वो बेहोश थे। 8 सितंबर की सुबह चंद मिनट के लिए होश में आए, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अपने 48वें जन्मदिन से महज 4 दिन पहले फिरोज गांधी का निधन हो गया। 7:45 पर उन्होंने आखिरी सांसें ली। बर्टिल फाक अपनी किताब फिरोज द फॉरगॉटन गांधी में लिखते हैं कि फिरोज गांधी का पार्थिव शरीर वेलिंगटन हॉस्पिटल से 3 मूर्ति भवन लाया गया। इंदिरा उनके साथ साथ थी। 3 मूर्ति भवन पहुंचने पर इंदिरा ने कहा कि वो खुद फिरोज गांधी के पार्थिव शरीर को नहलाकर अंतिम संस्कार के लिए तैयार करेंगे और इस दौरान वहां पर कोई मौजूद नहीं रहेगा। सबको कमरे से बाहर जाने को कह दिया। 3 मूर्ति भवन के निचले मंजिल से सारे फर्नीचर वगैरह हटा दिए गए और वहीं सफेद चादर पर फिरोज गांधी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन दिनों ब्रिटिश एक्ट्रेस और फिल्म क्रिटिक मैरी सेटॉन जवाहरलाल नेहरू की मेहमान थी और 3 मूर्ति भवन में ही ठहरी हुई थी। मैरी लिखती है कि जवाहरलाल नेहरू संजय गांधी के साथ उस कमरे में पहुंचे जहां फिरोज गांधी का पार्थिव शरीर रखा था। नेहरू का चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। इंदिरा गांधी भी अंदर से बुरी तरह हिली नजर आ रही थी। फिरोज गांधी के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ देख नेहरू ने कहा, मुझे पता नहीं था कि फिरोज को लोग इतना पसंद करते थे। 9 सितंबर की सुबह फिरोज गांधी का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए निगम बोध घाट की तरफ रवाना हुआ। फिरोज गांधी को जब पहली बार दिल का दौरा पड़ा था तभी उन्होंने अपने दोस्तों से कह दिया था कि वो अपना अंतिम संस्कार पारसी रीति रिवाज से नहीं कराना चाहते हैं। पारसी समुदाय में अंतिम संस्कार की परंपरा हिंदू मुस्लिम या ईसाइयों से बहुत अलग है। ना तो शव को जलाया जाता है और ना तो दफनाया जाता है, बल्कि टावर ऑफ साइलेंस में रख दिया जाता है जहां चील कौवे और जानवर उसे अपना भोजन बनाते हैं। कैथरीन फ्रैंक अपनी किताब द लाइफ ऑफ इंदिरा गांधी में लिखती है कि भले ही फिरोज गांधी का अंतिम संस्कार हिंदू तौर तरीकों से हुआ हो, लेकिन इंदिरा ने सुनिश्चित किया कि फिरोज के शव को जलाने से पहले कुछ फारसी रीति रिवाजों का भी पालन किया जाए। एहनावेती का पूरा अध्याय पढ़ा गया। इसके बाद 18 साल के राजीव गांधी ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। फिरोज गांधी का परिवार लंबे वक्त तक सूरत में रहा था। बाद में फिरोज इलाहाबाद आ गए थे। अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थियों के 3 हिस्से किए गए। एक हिस्सा पंडित नेहरू की मौजूदगी में इलाहाबाद के संगम में प्रवाहित कर दिया गया। दूसरा इलाहाबाद में ही दफनाया दिया गया था जहां उन्होंने अपने जीवन की ज्यादातर वक्त बिताए थे। तीसरा हिस्सा सूरत ले जाया गया और वहां उनकी पुश्तैनी कब्रगाह में दफनाया गया।